अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है ये इब्राहिम खलील रोड पे जो होटल्स हैं उनके बारे में है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से होटल हैं। सबसे पहले तो इस तरफ जो आपको ये वाली सारी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये तो जबले उमर प्रोजेक्ट की है, कई दफ़ा पहले मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ से साथ ही ये पाकिस्तानी होटल है, रेस्टोरेंट खाने का, और उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाते हैं होटल। सबसे पहले तो ये है होटल अल गली, और फिर उसके बाद इसी तरह साथ साथ नीचे शॉप्स हैं और ऊपर होटल हैं। इमार अल सुल्तान होटल है, उसके बाद लुलुतुल फला होटल है, उसके बाद नीचे शॉप्स हैं। सारी शॉपिंग के लिए इस टाइम रश कोई नहीं है इब्राहिम खलील रोड पर। सुबह का टाइम है तो मोस्टली लोग अपने होटल्स में आराम कर रहे होंगे। उसके बाद ये अल ओलियान अल हरम होटल है, वहाँ से कबूतर चौक स्टार्ट हुआ है और वहाँ पे कबूतर चौक ख़त्म हो रहा है। यही इधर सारे कबूतरी कबूतर हैं। ये अरीज अल फला होटल है, उसके साथ ही जो है तारा अल खलील होटल है, मैं सारे आपको मेन जो मेन रोड पे होटल हैं वो बताऊंगी। इस जो अंदर सड़कें हैं इनमें भी काफ़ी होटल्स हैं, लेकिन मैं आपको मेन होटल्स बता रही हूँ और ये काफ़ी सस्ते होटल्स हैं, मतलब रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ये सरवर ज़ियाफ़ा और रहमान होटल है, यहाँ पे इस गली में भी पाकिस्तानी होटल है खाने का और नीचे शॉप्स हैं, 3 रियाल शॉप है। यहाँ पे कबूतर चौक ख़त्म हो रहा है। मर्सी अल जरिया होटल है, उसके बाद ब्रोस्ट अल फरूज है, उसके बाद कसर अल मेसरी है। नीचे दुकानें हैं शॉपिंग के लिए, जायनमाज, तस्वीरें और घड़ियां वगैरह। उसके बाद ये जवाहरत अल मिसफिला है, उसके बाद फंदक नवार अल शम्स है, जवाहर अल नवार है, और ये इसी तरह सारे होटल्स हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। ये अमारुल अंदलसिया होटल है, उसके बाद मासर अल ज़ियाफ़ा होटल है, जिन जिन के नाम बाहर लिखे हुए हैं वो मैं आपको बताई जा रही हूँ। आपने लेना है, आप अगर ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो आप अपने अगर आप अपने एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, वो आपको कहता है अगर आपका होटल कबूतर चौक में है तो उससे पूछे कबूतर चौक में है या कबूतर चौक से आगे है, कितनी दूर है हरम से। कबूतर चौक मैंने आपको दिखाया कितना है, 500-700 मीटर है वो सारा कबूतर चौक का एरिया जो है, और उससे आगे फिर ये इब्राहिम खलील रोड के बाकी होटल हैं। सकाया अल बैक होटल है, उसके अलावा सामने वाला अमादा उल जहब होटल है, ये रवाहिल अल हुदा होटल है, बलवारत अल मुज़्न होटल है, शम्सु असाला होटल है, जो आपको सामने वो बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है वो अल ओलियान अल खलील होटल है। ये अंदर रोड्स में भी होटल्स हैं सारे इधर और शॉप्स वगैरह। ये अल उदा अल मुबारिका होटल है, काफ़ी बड़े बड़े होटल्स हैं यहाँ पे, आप इनसे अगर अपने एजेंट से करवाएंगे तो वो आपको ये सस्ते मिल जाएंगे।
लेकिन उस तरह वैसे आपको अच्छा इस साइड पे जरा अच्छे वाले महंगे वाले होटल्स हैं। ये जिस तरह इमार अल ग्रैंड होटल है, ये सारा कितना बड़ा होटल है। ये इमार ग्रैंड होटल है, ये इमार अल मनार होटल है, अभी देख रहे हैं कितना बड़ा है। ये अल ओलियान अल खलील होटल है, वो जो आपको नजर आ रहा है वो यास्मीन अल मज्द होटल है। ये वाला जो होटल आपको नजर आ रहा है ये फंदक फलस्तीन है, फलस्तीन होटल है, ये बहुत मशहूर है इब्राहिम खलील रोड पर। तो एक यहीं पे करते हैं वीडियो को खत्म। ये था सारे इब्राहिम खलील रोड के एक मेन, आपको मैंने बता दिया कौन कौन से होटल्स हैं यहाँ पर। तो आप अपने एजेंट के थ्रू या खुद लेना है या जैसे भी लेना है आप ले सकते हैं, काफी रीजनेबल प्राइस यहाँ पे आपको मिल जाएगी, थोड़ी बार्गेनिंग वगैरह भी हो जाती है अगर आप खुद ले रहे हैं। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को खत्म, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमें तो इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।